हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल। जैसा कि आज हम बात करेंगे यहाँ पर जो भी स्टूडेंट्स कल जिनका भी पेपर है पीएसटी आरईटी एंट्रेंस टेस्ट का, जो कि मतलब बाकी कोर्सेज हैं, वो कल आपका पेपर है फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में। तो आज के सीरीज़ में हम लोग जूलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को देखेंगे। अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा तो इन टॉपिक्स को अगर आप थ्योरी सेशन भी कवर कर लेते हो, इनके टॉपिक्स को आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हो, प्लस उससे एमसीक्यू सॉल्व कर लेते हो, तो ईजिली आपकी चीज़ें कवर हो जाएंगी। बस रिपीटेड टॉपिक जो हर साल जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको हम देखेंगे आज की इस सीरीज़ में। उसके अलावा आपके लिए जो रिसर्च मैथोलॉजी का जो है, अगर रिसर्च मैथोलॉजी की बात करें कि आज कैसे क्वेश्चंस पूछे गए, किन टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे गए, तो अगर हम उसकी बात करें तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, जहां पे आपको वो क्वेश्चन शेयर कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो जो बच्चे भी अभी तक कोर्स नहीं लिया है इंपॉर्टेंट, आप पीडीएफ ले सकते हैं वो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, आप उसको कवर कर लीजिएगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं जूलॉजी के लिए। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चंस यहाँ पर मार्क किए गए हैं कि किन किन टॉपिक से कितने क्वेश्चंस दिए जाएंगे आपको। टोटल यहाँ पर क्वालिफाइंग जो रिटर्न मार्क्स है वो आपका 50%, मतलब 70 में से आपको 35 क्वेश्चन सही करने ही करने हैं। ठीक है, तभी आपका यहाँ पर रिटर्न क्या है क्वालिफाई हो जाएगा। तो देखो, जैसे कि इस पहला यहाँ पर रिसर्च मेथोलॉजी में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, सिर्फ हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, जो कि अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा तो उन टॉपिक्स को कवर कर लो। तो जैसे आपका ये वाला थर्ड यूनिट को देखते हैं, थर्ड यूनिट में अगर आप देखो और ये आप पढ़ते ही हुए आए हो, ठीक है, जैसे टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंट टी टेस्ट क्या होता है, उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। और 10 क्वेश्चन देखो, टॉपिक्स जैसे सबसे दिए ना कि आप ये 10 नंबर कर लो पक्के, कि मतलब इन टॉपिक से हम जहाँ से भी क्वेश्चंस पूछे जाए आपको। जैसे हो गया एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, आज के पेपर में पूछा गया था कि एनालिसिस ऑफ वेरिएंस किसके द्वारा दिया गया था, काई स्क्वायर टेस्ट क्या होता, तो अगर आप इन तीन टॉपिक्स को कवर कर लेते हो तो ईजिली आप 10, बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, तो इन तीनों टॉपिक्स को कवर कर लो। ठीक है, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस किसके द्वारा दिए गए हैं, काई स्क्वायर टेस्ट होता क्या है, किस ऑब्जर्व और उसके बीच में क्या ये अंतर होता है, ठीक, टॉपिक्स को बस कर लो। ठीक, अगर हम पार्ट बी जूलॉजी में देखें तो क्या क्या चीज़ें यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है, इसमें से जो इम्पॉर्टेंट है आपका मैं यहाँ पर बता दे रही हूँ, यहाँ पर लॉ ऑफ मास एक्शन, ठीक है, फ्री एनर्जी, काइनेटिक्स ऑफ एंजाइम रिएक्शन, ठीक है, ये फैटी एसिड्स, बायोसिंथेसिस, एमिनो एसिड्स का, ये मतलब इन टॉपिक्स को कवर कर लेते हो तो आप 5 नंबर इजीली कवर कर लोगे, ये कर लिए तो 10 नंबर इजीली कवर हो गया। ठीक है, और भी देख लेते हैं कौन से टॉपिक्स। अब इसमें से देखो, ऊपर सारे टॉपिक्स को आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ मार्किंग दी है कि यहाँ से आपको इन टॉपिक से 20 नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, अब देखो पहला टॉपिक्स में अगर आप इसमें से प्रिंसिपल एंड यूजेस ऑफ फ्लेम क्या कहते हैं फोटोमेट्री, इसका पीडीएफ मैं व्हाट्सएप पे शेयर कर दूंगी, तो व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर दीजिएगा, मिल जाएगा। जैसे ये दिया ना टीएलसी, जीएलसी, एचपीएलसी, ठीक है, फुल फॉर्म वगैरह देख लेना इसका, यूजर्स ऑफ फर्मेंटेशंस, मतलब अगर आप पहला टॉपिक्स भी कवर कर लेते हो, तीसरा भी कवर कर लेते हो और इसके बाद वाले टॉपिक्स कवर कर लेते हो तो 20, 10, 30 और आराम से क्या है 40 रिटर्न क्वालिफाई हुए, क्योंकि आपको सिर्फ रिटर्न क्वालिफाई करने के लिए आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, मतलब आपने नहीं पढ़ा है तो इसको कवर कर लो, ईजिली हो जाएगा। ठीक, इसमें से अब इसमें से क्या है 20 मार्क्स इसमें है, तो मेथड्स अगर आप बायोकेमिकल एस्टिमेशन का पढ़ लेते हो, कार्बोहाइड्रेट्स का, ये सारी चीज़ें अगर आप कवर कर लेते हो तो ईजिली ये चीज़ें आपसे कवर हो जाएंगी। ठीक, उसके बाद इसमें देख लेते हैं, हाँ लास्ट टॉपिक, ठीक, पहले के पहला पढ़ लो, तीसरा पढ़ लो, लास्ट है प्रॉन कल्चर, फिश कल्चर, पियल कल्चर, एपी कल्चर, सेरी कल्चर, वाइट रिवॉल्यूशन, डेंजर्ट, मतलब इसको कवर कर लो। ठीक है, मतलब पहला हो गया, तीसरा हो गया और इसमें से आपका 6 नंबर इजीली कवर हो जाएगा। और ऐसे कुछ टॉपिक्स होंगे जो कि आपको ऐसा नहीं कि बिल्कुल प्रिपेयर नहीं होंगे, जैसे यहाँ पर आप 6 टॉपिक देख सकते हैं, इकोसिस्टम क्या है, उसके टाइप्स हैं, एक दो क्वेश्चंस, ठीक है, ऐसे आ जाएंगे जो कि ईजिली आप कर लोगे। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं ना 70 में से कुछ 10-12 क्वेश्चन जो होते हैं ईजिली होते हैं, जिसको आप कर सकते हो ईजिली। ठीक है, तो सारे टॉपिक्स अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा तो इन सारी चीज़ों को कवर कर लो, ईजिली आपका हो जाएगा। ठीक है, चैलेंजेस हैं, क्लाइमेटिक चेंजेस हैं, डीएनए है ऊपर है, मतलब
इन सारी चीज़ों को कवर कर लो। ठीक है, काफ़ी बच्चे परेशान थे कि मैम कुछ इंपॉर्टेंट, तो ये आपका सिलेबस है। सिलेबस में अगर आप 50% भी कवर कर लेते हो तो ईजिली यहाँ पर क्वालिफाई हो जाएगा, बिकॉज रिटन में आपको 50% ही क्वालिफाइंग है, उसके बाद इंटरव्यू है आपका। ओके, इसके अलावा कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं हमसे। ओके, थैंक यू।